श्री गुरु अर्जन देव जी दा अलाही वरदान। बख्शिश मेरे पिंड ते गुरु अर्जन देव महाराज जी दी। आओ चलिए पिंड बिलगे, देखिए बरात पंचम पातशाह जी दी। इतिहास लगभग 400 साल पुराना है, पर निशानियां अजे भी ने। आओ असी सारे रल चलिए इतिहासिक पिंड बिलगे ते माऊ साहिब, जिस दे 400 साल पुराने अंश पे इतिहास नूं भाई साहिब ने अपनी अंथक मेहनत खोज सदका संगतां दे सामने लियांदा है। आओ असी भाई साहिब दी जवानी सुनदे हां। बख्शिश मेरे पिंड ते गुरु अर्जन देव महाराज जी दी। बिलगे पिंड दा हर एक बसनीक यही गल आखदा है, मैं भी एहू आखदा हाँ, क्योंकि मैं भी बिलगे दा ही वसनीक हाँ। इस नगरी दी वड्याई इस करके है, ए गुरु अर्जन दे पातशाह जी दे बचना नाल वसी हुई नगरी है। गुरु अर्जन दे पातशाह जी ने अपने जीवन काल विच अनेकां नूं तारिया, कईयां दा उदार कीता। हर एक उस अस्थान नूं नमस्कार है जिथे गुरु महाराज जी ने अपने मुबारक चरण पाए। पर अज जिस नगरी दी गल मैं तुहाडे नाल करांगा, कि ओ पवित्र धरती है जिथे धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी अपने ब्याह समय अपनी बरात लेके आए। जे मैं इंज वी आखां कि पंचम पातशाह तक बाबा नानक जी दी गल कर कर तक पुज गई सी, जदों ये बरात पिंड बिलगे विच आई होवेगी ते इस नगरी दी शोभा किन्नी वध गई होवेगी। अज तो लगभग 400 साल पहला श्री गोइंदवाल साहिब तो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी बरात टुरी सी। कई जगह पड़ा करदिया होया 18 हाड़ नूं ये बरात पिंड बिलगे विच पुजी। इस बरात विच बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी, बाबा संघ जी, भाई मंझ जी, साई मियां मीर जी अते होर भी बहुत सारिया रबी रूहां सन। हुण ये धरती किन्नी क भागां वाली होवेगी जिथे ऐ रबी रूहां 2 दिन रहियां ते भाई सत्ता ते बलबंडा जी 2 दिन कीर्तन दियां अलाही धुनां लांदे रहे। जे मैं इंज कह लवां 2 दिन पिंड बिलगे विच देवतियां दी सभा लगी सी, ते इह गल कोई अतकथनी नहीं होवेगी। जदों धन गुरु अर्जन देव पातशाह पिंड बिलगे विच आए, ये पिंड केवल 7 कुलियां विच वसदा सी, ते इन्हां 7 कुलियां नूं भी हर साल अग लग जाती सी। साढ़े पिंड दे बजुर्गां ने दसिया ये किसे महापुरशां दे बचन कीते हुए सन। बेगा जदों घर आया पिंड को थकेमे करके कुछ गुस्से करके ओदी माता ने पूछा कि किन्नी क बगलिया आ। बेगा कहिंदा बथेरी अग लाया आ। बिलगे तो ओदे बचना तो हर साल अग लगनी शुरू हो गई। लोगों ने जो उस वेले 7 कुलियां विच रहिंदे सी, उन्होंने गुरु साहब की अते सारी ही बरात की बहुत सेवा की। सो बर मंगिया कि साडे पिंड जी अग लगती है, सोना बर दिता आज तो बाद अग नहीं लगेगी और उस तो बाद ये अग लगनी हुण तक बंद आ। पर प्यारियो, इन्हां 7 कुलियां वालिया ने धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी की सेवा
परमेश्वर जान के कीती। किस ढंग नाल सेवा कीती होवेगी कि सारे बरातियां दा मन मोह लिया। हुण जदों तीसरे दिन धन गुरु अर्जन देव पातशाह खूही ते इशनान करके पुराने वस्त्र उतार दिते ते नवे वस्त्र पा लए, पिंड वालियां हाथ जोड़े, पातशाह जी ये पुराने वस्त्र तुसी सानू दे जाओ, असी तुहाडी निशानी जान के रखांगे। ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने वो जिहड़े वस्त्र उतारे सन मेरे पिंड दे बजुर्गां नूं दे दिते। फिर इन्हां गरीबां हाथ जोड़े, दाता जी एक साडा दुख कट जायो, कोई करोपी है साडे पिंड ते, सत कुलियां विच असीं वसदे हां ते हर साल इन्हां सत्तां कुलियां नूं भी अग लग जांदी है, असीं घरों बेघर हो जांदे हां। गुरू अर्जन देव पातशाह जी कहन लगे, ओए भोलिओ, जिथे इन्ने प्यार वाले लोग रहिंदे होण ओ नगरी छोटी नहीं हुंदी, ओ पिंड छोटा नहीं हुंदा। अग लगनी हौली हौली हट जाएगी, पर तुहाडा पिंड एडा वड्डा होएगा, सतगुरु जी केडा कु वड्डा होएगा। सतगुरु जी कहण लगे, तुहाडे पिंड विच प्रवेश करन वास्ते सत दरवाजे होणगे, आओ फिर मैं तुहानू पिंड बिलगे दे दर्शन करवावां, तुहानू रस्ता भी दस देवां, क्योंकि तुहाडा दिल करेगा उस धरती दे दर्शन करिए जिथे ये अलाही वरदान वरते ने, जिथे सत्तां कुलियां तो सत दरवाजे बन गए ने। पिंड बिलगा फलौर तो नूरमहल रोड ते 15 किलोमीटर की दूरी ते है। हुण असी नूरमहल रोड ते जा रहे हाँ। 13 किलोमीटर जाके पिंड मुआई आया है। हुण असी मुआई तो बिलगे लई खब्बे हाथ मुड़ गए हाँ। एथों बिलगा 2 किलोमीटर की दूरी ते है। ए बिलगे पिंड दा प्रातन दृश है। साडे पिंड दे वड वडेरे इन्हां सत्तां कुलियां विच ही वसदे सन। ऐ तको जी, गुरु अर्जन देव जी दा इलाही वरदान कई किलोमीटरां विच वसया होया संघणी आबादी वाला दुआबे दा सब तो वड्डा पिंड बिलगा। जप्यो जिने अर्जन देव गुरु, जप्यो जिने अर्जन देव गुरु, फिर संकट जून गर्व नायो, फिर संकट जून गर्व नायो, जप्यो जिने अर्जन देव गुरु, जप्यो जिने अर्जन देव गुरु, फिर संकट जून गर्व नायो, फिर संकट जून गर्व नायो, जप्यो जिने अर्जन देव गुरु।
सोहने सोहने घर, उच्चिया उच्चिया इमारतां, 30,000 दे करीब पिंड दी आबादी, 5 सरकारी स्कूल, 5 प्राइवेट स्कूल ते 7 बैंकां ने इत्थे, जिथे इस पिंड ने बहुत सारे रागी ढाडी प्रचारक कौम नूं दित्ते ने, उत्थे 78 देश भगत इस पिंड दे होए ने जिन्हां ने देश दी आजादी लई कुर्बानी दित्ती। पिंड एडा वड्डा है, पिंड विच प्रवेश करन लई 7 दरवाजे ने। आओ फिर तुसी उन्हां 7 दरवाजिआं दे भी दर्शन करो। आओ तुहानू दर्शन करवावां गुरुद्वारा पिपली साहिब दे। पिपली साहिब तां आखदे ने जदों मेरे दाता जी पिंड बिलगे विच आए, इत्थे एक पिपल दा दरख्त सी, उस पिपल दे दरख्त थले बैठे सन। उन्हां अपनी तैयारी भी कीती होएगी क्योंकि अज ओ लाड़े ने। पर कमाल दी गल है किमें इस बिलगे दे विच अपनियां निशानियां छड़ गए ने। अज भी वो पिपल दा दरख्त त्रिवेणी दे रूप विच मौजूद है ते बहुत ही प्यारा अस्थान बनिया होया है। आओ जी करो दर्शन। ये अस्थान गुरुद्वारा पिपली साहिब है। ये त्रिवेणी दा उही दरख्त है जिस दे थल्ले गुरु अर्जन दे पातशाह जी बैठे सन। करो दर्शन। ऐ सुंदर गुरुद्वारा साहिब बनिया होया है। तुसी गुरुद्वारा साहिब दे बारी दर्शन कर रहे हो। हुण मैं तुहानूं उस अस्थान ते लै जावांगा जिथे धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी बारात 2 दिन रुकी। ये अस्थान बिलगे पिंड दे बचकार है। आप जी उस अस्थान दे बारी दृश्य देख रहे हो। आओ भागां वाले हो, हुण मैं तुहानू दरबार दे अंदर ले जावां, ओ अस्थान दिखावां जिथे गुरु अर्जन देव पातशाह जी आप परमेश्वर बिलगे विच आ बैठे सन। नमस्कार है इस अस्थान नू। ऐ जो सामने तुसी देख रहे हो ना, ऐथे गुरु अर्जन दे पातशाह जी बैठे सन। ऐ उही अस्थान है जिथे गुरु के कीर्तनीए भाई सत्ता ते बलवंड जी ने कीर्तन दियां अलाही तुना लाईयां सन। वो जरूर कहंदे होणगे तखत बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवे चंदोआ।
तखत बैठा अर्जन गुरु, तखत बैठा अर्जन गुरु, अर्जन गुरु, अर्जन गुरु, अर्जन गुरु, अर्जन गुरु, तखत बैठा अर्जन गुरु। ऐ ओही खुही है जिस खुही ते महापुरशां ते गुरु अर्जन दे पातशाह जी ने इशनान कीता सी। तन गुरु अर्जन दे पातशाह जी अपने सोने वस्त्र अपने हत्थी साडे पिंड दे बजुर्गां नूं दे रहे ने। सच जाणियो असी भावना बना के हर रोज ही इन्हां वस्त्रां विच्चों गुरु अर्जन देव जी दे दर्शन कर लैंदे हां। लंबेरा समा इन्हां वस्त्रां दी संभाल सेवा दास करदा रहा, तकिया है गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नमस्कार करके। ते कई प्रेमी किन्ना किन्ना चिर इन्हां वस्त्रां दे अगे खलोते रहिंदे ने। की तकदे हो? कहिंदे गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं, असी पिंड वालियां ने इन्हां वस्त्रां नूं 400 साल तो संभाल के रखिया होया है। ये चांदी दी अलमारी विच पए ने। ये अलमारी बाबा कुंदन सिंह जी नानक सर वालियां ने बना के दित्ती सी। ऐ तुसी दर्शन करो, पजामा दुशाला हजूरिया सेली बटुआ रुमाल सिमरना ते कोल पईए चंदन दी चौंकी जिसते गुरु अर्जन देव पातशाह जी बहिंदे सन। ये गुरु अर्जन देव पातशाह दियां शरीरक शो निशानियां ने। आओ प्यारियो, मैं तुहानू इन्हां वस्त्रां दे खुले दर्शन दीदारे करवावां। ऐ चंदन दी चौंकी है, इस ते बैठ के गुरु अर्जन देव पातशाह जी इशनान करया करदे सन। उपर सोने दा पत्रा चाड़िया होया ए, इहदी संभाल वास्ते है। ऐ तुसी तको, चौंकी बहुत बिरद हो गई है। ऐ तुसी देख रहे हो ना, थल्ले लाख नाल इसनू जोड़िया होया है। ये लाख नाल तां जोड़िया होया है कि असी इहदी संभाल कर सकीए। काफी समा इस तरह इहदे दर्शन करदे रहिए। ऐ कुछ टुकड़े ने इस दे लथ गए ने, पर असां संभाल रखे ने। मंजे ते मंजियां ओही हुंदे ने जेड़े साडे घरां विच हुंदे ने, पर जदों ओ मंजा गुरु घर आ जांदा है, जदों उस मंजे ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश हो जांदा है, ओ मंजा मंजी साहिब बन जांदा है, क्योंकि सतगुरां दे शरीर नाल छो गया है। मैं ते अपने आप नूं कर्मा वाला समझदा हाँ। मैनू समा मिलिया है, मैं इन्हां वस्तुआं नूं छो रहा हाँ। तुहानूं दर्शन करवा के तुहाडी खुशी लै रहा हाँ। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी, तुहानूं शरीर करके ते असी नहीं तकिया, पर रहमतां करके तुहानूं तक रहे हाँ। करो दर्शन। ऐ गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा चोला है, कुड़ता भी कह सकते हो।
बहुत बिरध हो गया है। कई जगह तू कपड़ा चढ़ गया है। लगभग 400 साल पहला दे ए वस्त्र ने अक्सर कपड़ा है। तुसी तक मैं दर्शन करवा रहा हूं, कपड़ा चढ़िया होया है, पर इस दी संभाल वास्ते असा इस दे नीचे होर कपड़ा लाया होया है। तन गुरु अर्जन दे पातशाह जी दा पावन चोला, जिन्नी भी निशानी है साडे कोल ए तन है। तन गुरु अर्जन दे पातशाह जी ए सोना चोला पा के तुसी बिलगे दियां संगतां नूं असीसां दे के गए हो। ए गुरु अर्जन देव पातशाह जी का चूड़ीदार पजामा है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी का चूड़ीदार पजामा जदों कदी असी इसनू खोल के दिखाते हाँ ना, कुर्ता ते पजामा बहुत लम्मा है। पता लगता है कि सतगुरु जी किन्ने जवान होणगे। ए तुसी देखो कई जगह तो कपड़ा चढ़ गया है, बहुत पुराना है ना। ए देखो चढ़ रहा है कपड़ा कई जगह तो। ए तको जी बड़ा ही मुलायम कपड़ा है। हाथ लांदे हैं धन गुरु अर्जन देव पातशाह तेरी याद आती है, ते हिरदे अंदर एक अनोखी जी तरंग उठती है। पातशाह मैं तेरे वस्त्रां नूं छो रहा। नमस्कार गुरु अर्जन देव पातशाह नूं। ए गुरु अर्जन देव जी दा दुशाला है, करो जी दर्शन। गुरु अर्जन देव जी दा दुशाला ए भी बिरध हो गया है, अक्सर कपड़ा है ना। ऐ देखो कई जगह तो रफू करवाया होया है, कई जगह कपड़ा चढ़ गया है। हुण सतसंगी रास्ते भावना विच है ना, असी ते भावना बना के तकदे हां। गुरु अर्जन देव पातशाह जी जदों तुसी बिलगे विच आए होवोगे ते ए दुशाला तुसी अपने मोढ़े ते रखिया होएगा। ए जो दास आप जीयां नूं दर्शन करवा रहा है ना, ए सतगुरां दा हजूरिया है, सोहना हजूरिया, उपर सोहनी सोहनी कढ़ाई, सोहने सोहने फुल पाए हुए ने। कैसी मनमोहक सुंदर कढ़ाई है। ऐ देखो जी सोहनी कढ़ाई, सोहने फुल, कपड़ा तो बहुत मुलायम है, रेशम दा है, ते रेशम दे तागे नाल उपर सुंदर कढ़ाई कीती हुई है। कदी हजूर इस हजूरिए नूं गल विच पा के साढ़े लिए अरदासा करते होंगे। प्यारियो जे मैं इंज कह लवां, मैं कई बार इस तरह भी भावना बना के तकदा हाँ इस हजूरिए नूं हजूर गल विच पा के साढ़े पिंड लई सुखा दियां अरदासा करके गए, साढ़े दुख कट गए। ए धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी सेली है, कुल्ला भी कह सकते हैं। तिलेदार पग्गां ते थल्ले कुल्ला रखिया हुंदा सी,
तिलेदार पग्गां। अज कल दे बच्चे जरूर सोचते होंगे एक कुल्ला की हुंदा है। पुरातन समयां विच जदों राजे महाराजियां दे बच्चियां दे ब्याह हुंदे सी ना, ओ सिर ते सेलियां रख के उपर तिले दियां पग्गां बन्नदे सन। ते गुरु अर्जन देव जी भी इसी तरह अपने ब्याह समय गोइंदवाल तो सज तज के निकले सन। ऐ सेली है जी गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी। ये जो तुसी दर्शन कर रहे हो ये पातशाह जी का बटुआ है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे हत्थां दा बटुआ। ये भी बहुत बिरध हो गया है, ताई ते कपड़ा चढ़ रहा है, पर असी संभाल बहुत करते हाँ। साड़ियां कई पीढ़ियां इन्हां नूं सांभदियां रहणगियां, असी तुसी दर्शन करते रहांगे। ऐ तुसी दर्शन करो प्यारियो, गुरु अर्जन दे पातशाह जी दे हत्थां दा रुमाल। कैसा सुंदर रुमाल है, रेशम दे कपड़े दा है। तन गुरु पातशाह, तन मेरे दाता जी, कदी इस रुमाल नूं तुसी हत्थां विच लैंदे होवोगे। ये कपड़ा भी तन है जो तुहाडी सेवा विच रहा है। ऐ गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे हत्थां दा सिमरना है, नमस्कार है जी। कदी गुरु अर्जन देव जी दे हत्थां विच हुंदा होएगा, जिमें हीरे ते जवाहरात बहुत महंगे हुंदे ने ना, एक कपूर दे सुचे मोतियां दा है। भी मोती ने भी मणके ने इस सिमरने दे, तन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे हत्थां दा सिमरना। जदों मैं अपने पिंड दे माण मत्ते इतिहास की खोज कर रहा सी, ते मेरी इच्छा सी मैं वध तो वध उन्हां प्रेमियां नूं मिलां जिहड़े मेरे पिंड दे इतिहास ते गुरु महाराज जी दी बरात बारे जानकारी रखदे ने। उस बरात विच एक रथ भी सी, ते प्यारे मैं उस रथ दी भी तलाश कर ली। ते आओ, वो रथ है भाई रूप चंद जी दे परिवार कोल। जदों मैं उन्हां दे परिवार विच गया, उन्होंने बड़ा ही माण दिता। भाई बूटा सिंह होर ने उन्होंने दसिया कि साढ़े बड़ वडेरे भाई आकुल जी वो भी बरात विच गए सन, ते बहुत सारा समान साढ़े घर विच भी है, आओ फिर उन्होंने भी दर्शन करो। पागां वाले ओ, करो दर्शन उस रथ दे जिस रथ ते मेरे पातशाह जी दी बरात आई सी। गोइंदवाल तो अपनी सोहनी बरात लेके इस रथ ते तुरे सन। ओई रथ है पिंड बिलगे विच भी आया। इस रथ बारे तुहानू दस देवां, एक कश्मीर दे रहण वाले प्रेमी खुदा बख्श ने सोना रथ तैयार करके गुरु रामदास पातशाह जी नूं भेट कीता सी। ऐ जो तुसी तक रहे हो ना, इस ते पैर रख के रथ दी सवारी कीती जांदी है। तन मेरे दाता जी, तुहाडे पावन चरण कदी इत्थे जरूर पैंदे होणगे। माता गंगा जी नमस्कार है,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਬਲਦ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰੱਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਖੜਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਗਬਾਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀਲੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੜਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਖੜਾਮ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕਲਾ ਕਿਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਖੜਾਮ ਆਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਵਾਹ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਵਾਬ। ਇਹ ਉਹੀ ਰਵਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਰਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਵਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 18-19-20 ਹਾੜ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਡੀਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਗੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲਾਮਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਹਿਲਣੀ ਲਾਮ ਹਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਮ ਲੈਣਾ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਕਰਮ ਸੱਤ ਕੁੱਲੀਆਂ ਤੋਂ
सत पतियां बने होए पवित्र इतिहासक नगर बिलगा विखे पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे व्याह पुरब नू मनाउण दे वास्ते नगर निवासी इलाका निवासी संगतां एकत्र हो करके भाई दविंदर सिंह जी जो पता लगे इस नगर दे जामपाल ने और इस नगर प्रति जो उन्हां दी भावना जो श्रद्धा सत्कार है उसनू सिर झुकदा है। आप हर संगरांद दे उत्ते आके कीर्तन करना जे विदेश विच होण ते जत्थे दा प्रबंध करना और हर साल ही पातशाह जी दे विआह पुरब नू मनाउण दे वास्ते गुरद्वारा साहिब दी प्रबंधक कमेटी दे सहयोग दे नाल महान गुरमत समागम करवा के संगतां नू शब्द गुरु दे नाल जोड़ना एक बहुत बड़ी सेवा है। ऐसे गुरु के कीर्तनिए जो देश ते विदेश विच कीर्तन राही प्रचार राही संगतां नू जोड़दे ने ऐसे गुरु के कीर्तनियां ते पंथ नू हमेशा ही मान रहा और मान रहेगा। ते पिंड विच किसे बच्चे नू भी पुछ लो ना भी अज इत्थे की है, कहिंदे बाबे दा ब्याह है। ब्याह वाला माहौल इस पिंड विच हुंदा है, इंज प्रतीत हुंदा है जिमें गुरु अर्जन देव जी रहमतां करके अज इस पिंड विच आए होए ने। सारयां दे सोहणे सोहणे कपड़े, चारों पासे लंगर, हर कोई गुरु अर्जन देव जी दी जय जयकार करदा फिरदा है। 18-19-20 हाड़ नूं इंज लगदा है जिवें हर एक घर दे विच ब्याह होवे। इस गुरु घर दा प्रबंध श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोल है। प्रबंध बहुत वधिया चल रहा है। सानू पिंड वालियां नू हर एक प्रोग्राम विच बहुत वधिया सहयोग मिलता है। संगत ने उस समय गुरु साहिब की सेवा की तो सवेरे जदों इशनान करके जान लगे तो उन्होंने ये बस्तर गुरु साहिब ने संगत के कहते बिलगे की संगत को सौंप दिते। गुरु अर्जन देव जी का अलाही वरदान है कि अज सत कुलिया तो जो सत कुलिया तो सत दरवाजे सुशोभित हैं। बड़ी गुरु महाराज की बख्शिश है
जे अलाही प्रदान ना हुंदा गुरु अर्जन देव जी का तो शायद अज सतकुलिया के तौर पर असं देखते दे। जे मैं कह कि गुरु जी की अपार कृपा सदका ये पिंड सारे पासे तरक्की दी राह ते है ते असी अरदास करिए कि आने वाले समय के भी ये जिहड़ा पिंड है होर तरक्की दी उड़ांगा भरदा भरदा अगे जा। ते सत संगीओ आप संगतां दीआं असीसां द्वारा इलाके की संगत का सहयोग पिंड दीआं सभा सोसाइटियां का सहयोग दसरियां वल्लों भी कुछ कार्ज इत्थे चल रहे ने। ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਹਰੇਕ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੈਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪੰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਾਤ ਮਉ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਰੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਟੋਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਨਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਈਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਡ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੀਲਾ ਨੁਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹਣ ਆਉਂਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਲਾ ਪਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਲਾ ਪੁੱਟੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਭੋਲਿਓ, ਕੀਲੇ ਗਡਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਕੀਲੇ ਪਟਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਬਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਲਾ ਪੁੱਟ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨੇਜਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਨੇਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣੀ ਕੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀਲਾ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਕੀਲਾ ਤੇ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਲਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
फिर सतगुरु कहन लगे चंगा बई हुण असी बरात वापस लै जानी है। इधरों माता गंगा जी दे पिता जी किशन चंद उहदा कोई चंगा कर्म जाग पिया। अपनी बच्ची हरहां नूं कहिंदा है, माता गंगा जी दी भैण नूं कहिंदा है, बच्चीए इंज कर, मेरे कोलों ते भुल हो गई है, तू हुण कोई उपराला कर, ये बरात मुड़नी नहीं चाहीदी। माता गंगा जी दी भैण हरहां सखियां सहेलियां नूं नाल लैंदी है ते जा के गुरु अर्जन दे पातशाह जी दा तरला करदी है। पातशाह करे कोई ते भरे कोई, जाके तरला कर दिए, सतगुरु जी मेरे पिता जी ने पिंड वालियां दे मगर लग के तुहानू वापस जाण वास्ते कह दिता, पर इहदे विच मेरी भैण दा ते कोई कसूर नहीं है। सतगुरु जी करे कोई ते भरे कोई, इह भी ते गल चंगी नहीं है। इहदे विच गंगा दा की कसूर है, मेरी बेनती प्रवान करो, तुसी बरात वापस ना लेके जाओ। ते कोल खलोते बाबा बुढ़ा जी सुन रहे सन, अगे हो के हाथ जोड़दे ने, पातशाहो मेरी बेनती मनो, तुसी बरात वापस ना ले जाओ, तुसी ब्याह करवा लो। ताने बाबा बुढ़ा जेदी गल गुरु भी नहीं मोड़दा, पातशाह ने एक बारी भी ना नहीं कीती, कहन लगे चंगा बई करो फिर प्रबंध। आओ बिलगे तो मऊ साहिब चलिए, ये रस्ता मऊ साहिब नू जांदा है। ऐ तुसी दर्शन करो जी, ये किशन चंद जी दा घर है, जिदे घर माता गंगा जी ने जन्म लिया। ये ओही घर है जिथे माता गंगा जी ने अपना बचपन गुजारिया। माता गंगा जी जो गुरु अर्जन देव जी की सुपत्नी बने ते इतिहास विच अपनी जगह बनाई, ओ माता गंगा जी जेदी कुखों हरगोबिंद पातशाह ने जन्म लिया। ये उस माता दा घर है, नमस्कार है इस घर नूं। इस घर दे अगे ही गुरु अर्जन दे पातशाह जी दी बारात टुकी सी। तुसी माता जी दे घर दे बाहरी दृश्य देख रहे हो। माता गंगा जी दा पावन घर, ऐ ओ स्थान है जिथे गुरु अर्जन देव जी दा घोड़ा शहीद हो गया सी। क्यों शहीद हो गया? क्योंकि ओ कीला ते है नहीं सी, ओ ते एक जंड सी। गुरु अर्जन देव जी ने उस जंड दी जड़ विच एनी जोर नाल नेजा मारिया, घोड़े उपर जोर इन्ना पै गया कि वह सहार ना सकिया, घोड़ा शहीद हो गया। तुसी दर्शन करो, ये वो जगह है जिथे मेरे दाता जी का घोड़ा शहीद हो गया सी। आ एक इतिहासक खूह है, इस दे दर्शन करो जी। इसका पिछोकड़ यह है, गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जमीन विच तीर मारिया, पानी निकलिया, सारे बरातियां ने पीता, अज इत्थे खूह बनिया होया है। ऐ जो सामने तुसी आनंद माण रहे हो ना, ये ओही सुंदर स्थान है जिथे गुरु अर्जन देव जी दे आनंद कार्ज होए सन।
उस अस्थान दे असी तुहानू बारी दृश्य दिखा रहे हैं। करो उस दे बारी दर्शन। हुण तुहानूं दरबार दे अंदर लै जावां जिथे गुरु अर्जन दे पातशाह जी दे आनंद कारज माता गंगा जी नाल होए सन ते बाबा बुढ़ा जी ने लावां पढ़ियां सन। आओ चलिए दरबार विच, करो दर्शन। ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਅਸਥਾਨ। ਵਿਆਹੇ ਚੱਲੇ ਹੈ ਮੋਹੇ, ਵਿਆਹੇ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਵਿਆਹੇ ਚੱਲੇ ਹੈ ਮੋਹੇ, ਵਿਆਹੇ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਥਾਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ, ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿਲਗੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਮੋਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਆਸ ਹੈ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਵ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।